सभी का आज के इस नए वीडियो में आप सभी जितने भी शिक्षा मित्र साथी हैं, आप सभी के लिए वीडियो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। साथ ही इस वीडियो में आप सभी के साथ हाल ही के अंदर की एक बड़ी खबर साझा करेंगे जो कि आप सभी के भविष्य से जुड़ी हुई है। खबरें क्या है आप अपनी स्क्रीन पर देख लें कि शिक्षा मित्रों को अब मिलेगा न्याय, नहीं होगा शोषण। ये बातें किनके द्वारा कही जा रही हैं, ये सारी सूचनाएं इस वीडियो में आप सभी के साथ प्रोवाइड करेंगे। तो आप सभी इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर अभी तक आप में से किसी भी साथी ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही रियल और ऑथेंटिक अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। अब साथियों चलते हैं अपडेट पर। अब साथियों अपडेट आप सभी की स्क्रीन पर खुलकर आ चुकी है। आप सभी को अपनी स्क्रीन पर एक न्यूज़पेपर की कटिंग दिख रही होगी। दरअसल ये रीसेंट की ही न्यूज़पेपर की कटिंग है जहां पर आगरा से ये न्यूज निकलकर आई है कि महिला शिक्षा मित्र ने शिक्षकों और अधिकारियों पर उत्पीड़न का आरोप लगाया है। उसका कहना है कि मनमानी के चलते नियमों को ताक पर रखकर मूल विद्यालय वापसी के नाम पर उसका तबादला किया जा रहा है। उसके खिलाफ झूठी शिकायतें की गई है। आज तक उसने कभी किसी बच्चे के साथ गलत आचरण नहीं किया। उसका तबादला एक सोची समझी साजिश है। महिला शिक्षा मित्र ने बताया कि शासन द्वारा 2018 में जो आदेश जारी हुआ था वह अब मान्य नहीं है। बता दें कि निशी गोयल नाम की शिक्षा मित्र कंपोजिट विद्यालय राजेंद्र नगर में 8 साल से सेवाएं दे रही हैं, लेकिन अधिकारियों की गलत नीति और शिक्षकों की मनमानी के चलते उसका उत्पीड़न किया जा रहा है। शिक्षा मित्र निशी गोयल ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल कर न्याय की गुहार लगाई है। अब देखना है कि क्या अधिकारी इसको संज्ञान में लेते हैं या फिर नहीं। दरअसल ये खबर आगरा की है जहाँ पर एक महिला शिक्षा मित्र पर कुछ आरोप यानी कि गलत प्रकार के आरोप लगाए गए हैं और इनका तबादला भी वहाँ पर जबरन किया जा रहा है, जहाँ पर इनके द्वारा एक वीडियो अपनी स्थिति के ऊपर एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाली गई जो कि इस समय वायरल है, जहां से ये खबरें निकल कर आई। फिलहाल साथियों इस पर आपकी क्या राय है आप कमेंट में लिखकर बताइएगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। जय हिंद, नमस्कार।